दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल मेडटेक लर्निंग के एक और फ्रेश कमाल और एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों भारतीय बाजार में SUV और सब SUV कार का कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। अभी MG यानी मॉरिस गैरेजेस ने अपनी नई कार MG ग्लोस्टर को भारतीय बाजार में उतार दिया है। लेकिन दोस्तों इस सेगमेंट में तो फॉर्चूनर पहले से ही अपना कब्जा भारतीय बाजार में जमा कर रखा है। तो आइए दोस्तों हम कंपेयर करते हैं इस दोनों ही SUV कार को एक दूसरे से और देखते हैं कि कौन छक्का मारता है और कौन चौका मारता है। मतलब दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि हम शेर को शेर से टक्कर कराने जा रहे हैं और देखते हैं कि कौन शेर जीतता है। दोस्तों आप भी अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं इस दोनों ही कार के डायमेंशन से। MG ग्लोस्टर में आपको 4,985 mm का लेंथ देखने को मिल जाता है, जो कि टोयोटा फॉर्चूनर में मिलने वाले 4,795 mm लेंथ से 190 mm ज़्यादा है। अगर हम विड्थ की बात करें तो MG ग्लोस्टर में आपको 1,926 mm का विड्थ मिल जाता है, जो कि टोयोटा फॉर्चूनर में मिलने वाले 1,855 mm विड्थ से 71 mm ज़्यादा है। अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो MG ग्लोस्टर में आपको 1,867 mm का हाइट देखने को मिल जाता है, जो कि टोयोटा फॉर्चूनर में मिलने वाले 1,835 mm हाइट से 32 mm ज़्यादा है। अगर हम व्हील बेस की बारे में बात करें तो MG ग्लोस्टर में आपको 2,950 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है, जबकि टोयोटा फॉर्चूनर में आपको 2,745 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। अगर हम टर्निंग रेडियस की बारे में बात करें तो MG ग्लोस्टर में आपको 6.2 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है, जबकि टोयोटा फॉर्चूनर में आपको 5.8 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। दोस्तों MG ग्लोस्टर जो कार है वो डायमेंशन में थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे टर्निंग रेडियस 0.4 मीटर ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि इसको टर्न करने में, आगे पीछे करने में, मोड़ मार करने में ज़्यादा स्पेस चाहिए। अगर हम MG ग्लोस्टर के बूट स्पेस की बारे में बात करें तो इसमें आपको 343 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि फॉर्चूनर में मिलने वाले 296 लीटर बूट स्पेस से 47 लीटर ज़्यादा है। अगर हम फ्यूल टैंक की बारे में बात करें तो MG ग्लोस्टर में आपको 75 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि फॉर्चूनर में मिलने वाले 80 लीटर का फ्यूल टैंक से 5 लीटर कम है। अगर हम MG ग्लोस्टर के टायर साइज के बारे में बात करें तो इसमें आपको 19 इंच का टायर देखने को मिल जाता है विथ एलोई व्हील्स के साथ। वही अगर हम टोयोटा फॉर्चूनर की बारे में बात करें तो इसमें आपको 19 इंच के साथ साथ लोअर वेरिएंट में 17 इंच का टायर भी देखने को मिल जाता है विथ एलॉय व्हील्स के साथ। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बारे में बात करें तो MG ग्लोस्टर में आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जबकि टोयोटा फॉर्चूनर में आपको 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये तो हो गया कुछ डायमेंशन की बातें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं MG ग्लोस्टर और टोयोटा फॉर्चूनर के इंजन कैपेसिटी के बारे में, तो दोस्तों इस दोनों ही गाड़ियों में आपको दो दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम कंपेयर करते हैं MG ग्लोस्टर के टू व्हील ड्राइव को टोयोटा फॉर्चूनर के टू व्हील ड्राइव से। दोस्तों MG ग्लोस्टर में आपको 1996 cc का 2.0 लीटर टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 163 PS का 4000 RPM पे और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 375 Nm का 1500 से लेकर 2400 तक RPM पे। अगर हम बात करें इसी MG ग्लोस्टर टू व्हील ड्राइव के माइलेज के बारे में तो इसमें आपको 12.35 KMPL का माइलेज मिल जाता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं टोयोटा फॉर्चूनर के टू व्हील ड्राइव के इंजन कैपेसिटी के बारे में तो इसमें आपको 2755 cc का 2.8 लीटर टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 177 PS का 3400 RPM पे और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 450 Nm का 1600 से लेके 2400 तक RPM पे। अगर हम माइलेज की बारे में बात करें तो इसमें आपको 12.9 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है।
और हाँ दोस्तों, एम जी ग्लोस्टर में आपको 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जबकि एम जी ग्लोस्टर में आपको कोई भी पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है। फॉर्च्यूनर में आपको 2694 सीसी का 2.7 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 166 पीएस का 5200 आरपीएम पे और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 245 एनएम का 4000 आरपीएम पे। इसमें दोस्तों 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिलता है और इसमें 10.26 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम फटाफट MG ग्लोस्टर के 4 व्हील ड्राइव से टोयोटा फॉर्च्यूनर के 4 व्हील ड्राइव को कंपेयर करते हैं। MG ग्लोस्टर के 4 व्हील ड्राइव में सेम वही 2 व्हील ड्राइव वाला इंजन 1966 सीसी का 2.0 लीटर ट्विन टर्बो 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सीसी तो सेम है वही 2 व्हील ड्राइव वाला, लेकिन इसमें ट्विन टर्बो दिया हुआ है, जो कि ये पावर उससे पावरफुल है। ये जो दोस्तों पावर प्रोड्यूस करता है 218 पीएस का 4000 आरपीएम पे और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 480 एनएम का 1500 से लेकर 2400 तक आरपीएम पे। अगर हम माइलेज के बारे में बात करें तो इसमें आपको 12.35 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दोस्तों अगर हम दूसरी तरफ टोयोटा फॉर्च्यूनर के इंजन कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों सेम वही टोयोटा फॉर्च्यूनर के 2 व्हील ड्राइव वाला इंजन वही चिपका दिया गया है। इसमें सेम वही सीसी है, वही सिंगल टर्बो है, पावर भी सेम है, आपको टॉर्क भी सेम है, मतलब हर चीज़ सेम दिया हुआ है इसमें। लेकिन वही ग्लोस्टर में ये सेम नहीं है, इसमें ट्विन टर्बो है, इसमें पावर भी ज़्यादा है उसके, मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो 2 व्हील ड्राइव वाला इंजन था उसके कंपैरिजन में इसमें पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है। दोस्तों ये तो हो गया कुछ छोटी छोटी पर मोटी मोटी ज्ञान की बातें इंजन कैपेसिटी के बारे में। अब आइए हम कुछ इस दोनों ही गाड़ियों के टेक्निकल फीचर के बारे में और कंफर्ट कन्वीनियंस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम इस दोनों ही कार के कुछ मेजर और कुछ क्रेजी फीचर्स के बारे में बात करें तो एम जी ग्लोस्टर में आपको मेजर फीचर्स के नाम पे मिल जाता है ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, लैंड डिपार्चर वार्निंग, EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, EBS इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर फोटिक मॉनिटर, ADAS। जी हाँ दोस्तों, ये जो फीचर है ये MG वालों को कहना ये है कि अभी ये इंडिया में फर्स्ट इन सेगमेंट है, मतलब इस सेगमेंट में भी पहली बार ये जो फीचर है वो इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, जी हाँ दोस्तों, ये जो फीचर्स है ये आपको बहुत ज़्यादा असिस्ट करेगा ड्राइविंग करते समय। ACC यानी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 7 ड्राइविंग मोड्स, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग रियर डिफरेंशियल, टायर प्रेशर मॉनिटर। दोस्तों इतना सारा मेजर फीचर्स आपको MG ग्लोस्टर में देखने को मिल जाता है। अगर वही हम दूसरी तरफ बात करें टोयोटा फॉर्च्यूनर के कुछ मेजर और कुछ क्रेजी फीचर्स के बारे में तो इसमें मेजर फीचर्स के नाम पे मिल जाता है हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, डोर अजार वार्निंग, ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ACC यानी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फ्यूल टैंक ओपनर वाया रिमोट, हैंड फ्री टेल गेट, ब्रेक असिस्ट, डोर अजार वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रैश सेंसर, प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, 360 डिग्री कैमरा। दोस्तों टोयोटा फॉर्च्यूनर में यही कुछ गिने चुने फीचर्स आपको मेजर फीचर्स के नाम पे देखने को मिल जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करें MG ग्लोस्टर के मेजर फीचर्स के बारे में तो दोस्तों इसमें बड़े बड़े फीचर्स आपको मेजर फीचर्स के नाम पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैं अगर आपसे फाइनली बात करूं कि आपको कौन सी कार लेना चाहिए जिसमें इंजन भी इंजन का कैपेसिटी भी बढ़िया हो और फीचर्स भी बढ़िया हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि यू कैन गो फॉर MG ग्लोस्टर। अगर हम वारंटी ऑफर के बारे में बात करें तो दोनों ही कार में आपको 1,00,000 किलोमीटर का वारंटी मिल जाता है। और दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं अपने काम की बात, अपने मेन मुद्दे की बात, प्राइसिंग के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, MG ग्लोस्टर का जो प्राइस स्टार्ट होता है वो
28.98 लाख रुपीस से लेकर के 35.38 लाख रुपीस एक दिल्ली शोरूम के हिसाब से, जबकि टोयोटा फॉर्चूनर में आपको 28.66 लाख रुपीस से शुरू होता है और 36.88 लाख रुपीस तक जाता है एक दिल्ली शोरूम के हिसाब से। तो दोस्तों ये रहा एक जबरदस्त कंपैरिजन इस दोनों ही कार के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, अभी भी आपका कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए और सुरक्षित रहिए।